नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। सिक्योरिटी गार्ड की बहाली, लोहरदग्गा थाना परिसर में लगी बेरोजगारों की भीड़। लोहरदग्गा थाना परिसर में मंगलवार को वीएसएफ कंपनी द्वारा आयोजित सिक्योरिटी गार्ड की बहाली के लिए जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवकों की भीड़ पहुंची। 9 युवक बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुए। इस पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण का पालन किया गया। निजी कंपनी द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की लोहरदग्गा थाना परिसर में की जा रही बहाली को लेकर थाना परिसर में युवाओं की भीड़ लगी रही। वीएसएफ कंपनी द्वारा इस बहाली के लिए ₹200 रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया गया था। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों से ट्रेनिंग शुल्क के रूप में ₹7,200 जमा कराने की बात कही गई है। वहीं कंपनी की शर्तों को मानकर बहाली की प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों की तादाद भी अच्छी खासी देखी गई। देश में कोरोना संक्रमण का दूसरा दौर जारी होने के बावजूद भी इस प्रक्रिया में युवाओं की भीड़ लगी रही। वीएसएफ वर्जन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी रवि निंस प्रभाकर ने जानकारी देते हुए कहा है कि वीएसएफ रांची द्वारा सुरक्षा जवान, सुरक्षा सुपरवाइजर, ड्राइवर, हाउसकीपिंग, गनमैन पदों पर भर्ती की जा रही है। आज 18/1/2022 को सुबह 11 से 3 बजे तक वीएसएफ रांची द्वारा सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, ड्राइवर, गनमैन, हाउसकीपिंग के पदों पर हम लोग भर्ती ले रहे हैं। ये कुल जिनका आज हम लोग चयन करेंगे उनको रांची में हमारी ऑफिस है हरमू, वहीं इनको चयनित करके रिपोर्टिंग डेट दिया गया है 29 तारीख और 1 तारीख को। जिनका भी चयन होगा वहाँ रिपोर्ट करने के बाद इन लोग का जो भी पोस्टिंग होगा ऑल झारखंड के लिए भी नियुक्ति मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है आप लोगों का? पंजीयन शुल्क जिन बच्चों का चयन होता है उसका एक मापदंड है, शारीरिक मापदंड। कम से कम 1.65 अगर उनका ऊंचाई रहेगा तब उनका जो भी प्रक्रिया है तब उनका शुरू होगा। पंजीयन शुल्क जो भी लगता है ₹200 मात्र है। उसके बाद है क्या कि चयनित अभ्यर्थी जो ट्रेनिंग शुल्क है लगभग कितना ले रहे हैं? जैसे 7,500। देखिए टोटल एक अमाउंट रखा गया है कंपनी के द्वारा, क्योंकि बच्चों का जब चयन होगा, चयन के बाद 3 स्टेज में मतलब प्रक्रिया होगी उनको नियुक्ति के बाद, तो उनको सारा कुछ ब्रीफ कर दिया गया है, बता दिया गया है। उसके बाद ही जिनका चयन होगा, जो इच्छुक होंगे, उसके बाद ही उनका प्रोसेस जो भी है चार्ज लगेगा। तब है कि उसमें टोटल खर्चा जो आता है 7,500, उसमें उनको 1 महीना रहने का, खाने का, 2 सेट वर्दी, पैंट, टी शर्ट, हाफ पैंट, 1 महीना ट्रेनिंग, पूरा मोबिलाइजेशन खर्चा, इसके बाद जितना इनका डिप्लॉयमेंट होगा सब उसी में इंक्लूड है जो बच्चों लोग को बता के किया गया है। इसके बाद जो इच्छुक हुए हैं आगे आए हैं सब लोग। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवि निशम प्रभाकर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।